दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कपड़े के एक बंडल में अचानक विस्फोट होने से वहां अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस के अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद से आई एक ट्रेन से दरभंगा रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से पार्सल उतारकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रखने के क्रम में उसमें विस्फोट हुआ और पार्सल में शामिल कपड़ों की एक गठरी में आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के बाद गठरी की जाँच करने पर उससे एक बोतल मिला जिसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ था। फोरेंसिक टीम को इसकी सूचना दी गई है, उसकी जांच के बाद ही तरल पदार्थ के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अशोक ने बताया कि कपड़े की एक गठरी को पार्सल के द्वारा मोहम्मद सुफियान नामक व्यक्ति ने सिकंदराबाद से दरभंगा भेजा था, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो एक पार्सल के पैकेट में ब्लास्ट हुआ है जिससे आग लगी, उसका कपड़े थे। किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, आगे की कार्रवाई हुई है।